तुम बुआ को छोड़ के क्यों आ गई? आई बुआ की सांसें शायद बंद हो गई। ये लीजिए। नीचे 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 चलो बैठ जाओ। चलो उठाओ, चलो जल्दी। गुरुजी चलो। कबीर देवल डही पड़ा ईंट भई सेवार करीच जारा सुप्रीतड़ी जुड़े न दूजी बार। ये लोग मुझसे जो चाहे करवा ले, लेकिन मुझे पैसे कमाने होंगे। अब जैसा भी काम हो, जो भी काम हो, मैं करूंगा। राम जी, इसे भी धुल देना। राम जी, इसे पहनकर बर्तन धोना ताकि तुम्हारे हाथ सीधे सीधे बर्तन को ना छुए। वैद्य जी, मेरे पति बाहर गांव गए हैं, मैं भी रहती हूँ। जल्दी जल्दी देखिए ना इन्हें। कब हुआ ये? जी कब हुआ, कैसे हुआ कुछ पता नहीं। घर से बाहर निकली थी, बहुत देर तक आई नहीं, इसलिए ढूंढने निकले तो बेहोश पड़ी मिली। जल्दी देख लीजिए ना इन्हें। ठीक है, आप जल्दी से इन्हें अंदर ले आइए। हाँ। देखिए ना जल्दी। आप लोग बाहर जाइए, मैं इन्हें देखती हूँ। देख रही है वैद्य जी। गुरुजी, मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है प्रेमा भाई, किसी चीज की जरूरत हो तो खबर करवा दीजिएगा। धन्यवाद गुरुजी। क्या हुआ बुआ को? आई बुआ बाजार के लिए घर से निकली थी, बहुत देर हो गई तो मैं परेशान हो गई, इसलिए ढूंढने निकली तो रास्ते में पड़ी थी। लेकिन वो आपको बेहोश कहाँ मिली?
गोधुली वाला ऊंचा रास्ता है ना, वहां नीचे खेत में बेहोश पड़ी मिली। उन्हें किसी ने धक्का तो नहीं दे दिया होगा? मुझे भी वही डर लग रहा है। हमें बुआ को लाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा था। फिर ये खाट ली, बदले में उस खाट वाले ने ऐसे कान की बूंदे ले ली। तुलसा, कौन था वो? जाने देना, छोड़। वो कुंदन काका थे। क्या हुआ? कैसी है दीदी? ठीक है ना? उनका बचपना मुश्किल है। आप लोग संतोष कर लीजिए, अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए वैद्य जी। कुछ भी कीजिए लेकिन दीदी को बचा लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वैद्य जी, आप कोशिश करेंगे तो मेरी बहू बच जाएगी। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाजार से कुछ औषधियाँ लानी पड़ेगी जो सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें देनी होगी। भीमा भाई, आपके पति कहाँ हैं? जी वो काम पे गए हैं, गोरेगांव, काफी दूर है यहाँ से। लेकिन भाभी जी, मैं जाकर औषधियाँ ले आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वैद्य जी, वो लिख कर दे दीजिए क्या क्या औषधियाँ लानी है, मैं जाकर ले आता हूँ। जी मैं भी लाई। भाई साहब, उन्हें भी खबर भिजवा दीजिए गोरेगांव जाके। हाँ भाभी जी, मैं उसी रास्ते से तो जाऊँगा, राम जी को सूचित कर दूंगा। चलिए घर चलते हैं, आपको पैसे दे देती हूँ दवाई के लिए। आई आप जाइए काका के साथ, हम सब यहीं रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। और पुरंजन काका, अब इसी रास्ते से जाएंगे तो मुझे भी लेते चलिएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा औषधि लेने और बाबा को सूचित करने भी। ध्यान रखना। हाँ चलिए। मैं अभी आता हूँ आनंद भैया। रुक, कहाँ जा रहे? पानी पी कर आता हूँ। आई मैं आ गया। आई कहाँ चले गए? बुआ आई कहाँ चले? क्या हुआ बाला? पुरंजन काका बताइए ना क्या हुआ? दीदी को किसी ने धक्का दे दिया, उन्हें बहुत चोट लगी है। बुआ को किसने धक्का दिया? और कौन दे सकता है, जब से वो महाराज इस गांव में आया है ना, रोज नया नया नाटक करता ही रहता है। मुझे तो लगता है दीदी को धक्का देने में भी उसी का हाथ है। हो गई, चलो अब महाराज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे तब ये सब नाटक खत्म होगा। चलो रुक रुक, छोड़ 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 ना, ले ये ले ले ले, पकड़, जा जा महाराज को खत्म कर दे। हाँ फिर वो आएंगे, तेरे आई बाबा काका सबको खत्म कर देंगे, तेरी छोटी बहनें मंजुला तुलसा सबको खत्म कर देंगे। तू वापस जाना, वापस किसी को खत्म करना, फिर वो आएंगे और अंत में तुझे भीवा को आनंद को सबको खत्म कर देंगे, तभी जाके ये नाटक खत्म होगा। जा, जा, अरे जाना। लेकिन भाभी जी, ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो भी तो वो लोग हम लोगों को मारेंगे। ये लीजिए पैसे, लीजिए दवाई के। मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई साहब, दवाई के पैसे ले लीजिए, लीजिए। लेकिन आई, रंजन काका भी तो सही कह रहे हैं ना, लड़ाई और शक्ति से ये फैसला होना चाहिए ना। माला बस हो गया, अभी मैं थक गई हूँ, ये बस कर दे अभी, ये शक्ति और लड़ाई का खेल मेरे जीते जी नहीं होगा। बाला, हमारी दीदी वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है बेटा,
चल चल मेरे साथ। कुंदन काका क्या है, क्यों चिल्ला रहा है भीमराव? चिल्ला नहीं रहा हूँ, कुछ बताने और समझाने आया हूँ। हाँ तो मेरे पास ना तो कुछ समझने का समय है और ना ही मेरा कोई समझने का मन है, चल जाओ यहाँ से। जो आई की बूंदे आपने उनसे लिए हैं वो मेरी आई को मेरी नानी ने दिए थे, और खाट के जो पैसे होंगे वो हम आपको लौटा देंगे। आई की वो कान की बूंदे आप उन्हें लौटा दीजिए। नहीं लौटाए तो? फिर भी लौटाना होगा। धमकी दे रहा है? नहीं, अपना संकल्प बता रहा हूँ, वो संकल्प जो न्याय पाने का है। अपनी आई के लिए उसका बेटा न्याय मांगने आया है, और इतने दिन से आप हमें जानते हैं तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैं न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, इसीलिए वो आई के कान की बूंदे लौटा दीजिए। तुझे जो करना है ना कर ले, मैं कोई गहने वापस लौटाने वाला नहीं हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी आई खुद अपनी मर्जी से अपने कान की बूंदे मेरे पास लेकर गई है, समझा कुछ? समझ रहा हूँ, लेकिन किसी की बेबसी को उसकी मर्जी कहकर आपका पाप कम नहीं हो सकता है, बस यही कहने आया था। जो करना है कर लेना, मैं तेरी आई के कान के मुंदे वापस नहीं देने वाला। अभी कैसी है दीदी? हमें सुधार होने तक इंतजार करना पड़ेगा। आनंद, बेटा भीम कहाँ है? मैं आऊँ काका। वैद्य जी, वो औषधियों की पर्ची दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। भीम, इधर पानी पिया। झूठा कही का, तेरे साथ रहकर इतना तो समझ आ गया कि तू उस आदमी को हड़काने गया था जिसने हमारे आई के कान के बूंदे ले ली। हड़काने नहीं बल्कि सच समझाने, उन्होंने गलत किया है ये भी बताने, बस ये बात आई से मत कहना। ये कुछ औषधियां ने लिख दी है, आप ले आइए। हाँ मैं लेकर आता हूँ। बिन बेटा चल। यही बैठा रहेगा तू? आप ऐसे बैठाए रखेंगे तो वो रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे। करने दो जो करना है, तू यही बैठा रहेगा। सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। वैसे भी आभूषणों से सुशोभित होने का अधिकार सिर्फ उच्च जाति वाले लोगों का है। तुमने हमें पहले भी बहुत प्रसन्न किया है और अब भी हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, और हम प्रसन्न हैं मतलब ईश्वर प्रसन्न हुआ, और ईश्वर प्रसन्न हुआ मतलब तुम पर उसकी कृपा अवश्य होगी। महाराज, उस भीमराव ने इसे धमकी दी है, इससे कहा है कि उसके गहने वापस कर दे वरना वो न्याय की लड़ाई लड़ेगा। जी महाराज, धमकी देकर गया है वो। महाराज, उस भीमराव के मुंह से न्याय की लड़ाई लड़ने का नाम सुनकर ही परेशान हो जाता हूं, पता नहीं अब वो क्या करेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, देखते हैं।
लेकिन तुम इन गहनों को बिल्कुल मत लौटाना, चाहे जो भी हो, जो भी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि इस बात को समझ लो, ये सिर्फ गहनों की नहीं, गहनों के साथ साथ अपने स्वाभिमान को लौटाने की बात है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और हम सब तुम्हारे साथ हैं कुंदन, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। महाराज, आप ईश्वर से संपर्क साधकर उनसे कहिए ना कि उस भीमराव की बुआ की जान ही ले ले। हाँ महाराज, तब जाके हम सबको सुकून मिले। राम जी। जी सर जी। दो चीजें सुनी थी तुम्हारे बारे में, एक तुम काम बहुत मन से करते हो हाँ? और दूसरी तुम्हें खुद पर बहुत अभिमान है हुँ? पहली चीज तो तुम्हारी पूरी हो रही है, यहाँ तो दिन रात काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन बहुत काम है, बहुत मन लगा के काम करना है। रहा सवाल दूसरी बात का कि तुम्हें अभिमान बहुत है, तो ये गलत बात है। तुम जैसे छोटे जाति के लोग के अंदर अगर कुछ अलग होना चाहिए तो अपनी जात पर शर्म होनी चाहिए। लेकिन हमारी सेवा करने का मौका मिला है तो उस पर अभिमान कर सकते हो। भीम बेटा, पता तो यहीं आसपास का ही था, किसी से पूछते हैं। अरे भाई साहब सुनिए ना। बोलिए। यहाँ कोई मसाले का कारखाना है जहाँ दिन रात मसाले का काम होता है, आपको पता है क्या? हाँ हाँ, पास में ही है, आगे से दाएं मुड़ जाइए आप। इधर से? हाँ। धन्यवाद, चल। अच्छा राम जी। जी सर जी। एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले क्या समझ रहे होंगे कि तुम यहाँ पे क्या नौकरी करते हो? अरे कुछ तो बोलो, अगर नहीं बोले तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। चुप रहने वाला मजदूर हमें पसंद नहीं है। नहीं नहीं सर जी, मैं बताता हूँ। वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ हिसाब किताब का काम देख रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम मैं अच्छी तरह से कर पाता हूँ। इसके पहले मैं जहाँ काम करता था वो हिसाब किताब का ही काम करता था। लेकिन तुम तो यहाँ बर्तन साफ करने का काम कर रहे हो। काका, मेरे बाबा हैं राम जी, वो इस कारखाने में काम करते हैं क्या? वहां पर सर जी, वो जो तीसरी पंक्ति में लिखा है उसके हिसाब में सफाई नहीं है, मैं करके देता हूं। दीजिए ना, दीजिए। अरे भीम, पुरंजन, क्या हुआ, तुम लोग यहां क्यों आ गए? राम जी, अपनी हैसियत में रह के बात करो। सेठ जी, अब भी आप समझ नहीं रहे, ये देखिए ना। और आप मेरी हैसियत देख रहे, ये देखिए, ये ठीक हो गया, लीजिए चलो। क्या हुआ बेटा, तुम लोग यहां क्यों आए? बाबा, वो बाजार जा रही थी तो मैं... सेठ जी, ये राम जी तो बड़ा बदतमीज आदमी निकला, बेटे को देख के तेवर देखा है आपने? अरे मैं तो कह रहा हूं इसे अभी नौकरी से निकाल दो। माफ कीजिए सेठ जी, ये मेरा अपना अभिमान नहीं था। घर का मुखिया हूं, पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ना,
क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मेरा बेटा मुझे बर्तन साफ करते हुए देखता तो शायद उसका पढ़ाई से विश्वास कम हो जाता।